हेलो गाइस वेलकम बैक टू बी द टॉपिक दिस इज़ पार्ट टू ऑफ चैप्टर सेवन म्यूचुअल फंड ऑफ क्लास टेंथ एफएमएम तो इस हमारा पार्ट वन हम पहले ही कर चुके हैं अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए और दिस इज़ पार्ट टू इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी एज वेल एज एंड द सेकेंड टॉपिक विल भी वट आर द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान दैट म्यूचुअल फंड ऑफर तो ये दो टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे तो आई होप आपको पसंद आएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना थैंक यू चलो शुरू करते हैं अपना ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव देखें तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हमारे पास हैं जिनके ऊपर हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ओके okay. तो सबसे पहला आ जाता है इक्विटी फंड एंड ग्रोथ फंड इक्विटी फंड एंड ग्रोथ फ़ंड सेम ही हैं ठीक है दोनों का मतलब एक ही है उसमें बेसिकली होता है कि ऐसे फंड जब जहाँ पे जब हम इक्विटी शेयर में जब किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विटी फंड्स दे कैरी द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन जो अगर ऑब्जेक्टिव देखें इक्विटी फंड का तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जो इन्वेस्टर बहुत ही ज्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन करना चाहते हैं मतलब बहुत ज्यादा अंधा पैसा कमाना चाहते हैं उन लोगों के लिए है बट वो रिस्क भी बेयर कर सकते हैं ये भी एक कंडीशन होती है कि मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन वहाँ पर बहुत ज्यादा होता है ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इक्विटी शेयर में आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा पर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है और ये जो इक्विटी फंड है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो कि कैपिटल अप्रिसिएशन के बारे में सोचते हैं ज्यादा ठीक है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इक्विटी फंड्स होते हैं अगर इक्विटी फंड्स के अंदर हम अगर हम देखें तो आ जाता है डाइवर्सिफाइड फंड सेक्टर स्पेसिफिक फंड एंड इंडेक्स बेस्ड फंड आपको ये बात समझ में आई इक्विटी फ़ंड का मतलब होता है जब हम इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं वहाँ पे हम कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करते हैं और वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में चलती है और जो इन्वेस्टर कैपिटल अप्रिसिएशन करना चाहते हैं मतलब अपने कैपिटल को रेज करना चाहते हैं बहुत तेज़ी से मतलब बहुत ही ज़्यादा तरीके से रेज करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में वो लोग इक्विटी फ़ंड में पैसा लगा सकते हैं अब यहाँ का इसी का एक सब टाइप आ जाता है डाइवर्सिफाइड फ़ंड्स डाइवर्सिफाइड फ़ंड्स क्या होता है हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपना पैसा लगा देते हैं मान लो कि एक जैसे कि हमारी ये कंट्री है अगर मैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहती हूँ मान लो तो मैं एक क्या करूँगी एक मान लो कि मैंने आ, ऑटोमोबिल सेक्टर में लगा दिया एक मैंने की फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लगा दिया एक मैंने कमोडिटीज़ में लगा दिया तो ये क्या होता है मैंने अपने सेक्टर्स डिवाइड कर दिए ताकि अगर ऐसा नहीं हो ना कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे एक अगर मैंने एक ही जगह पर सारा पैसा लगा रखा होगा और जब लॉस होगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी तो ये रिस्क एवर्ज इन्वेस्टर्स वॉन्ट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस सेक्टर्स उनके लिए अच्छा होता है है ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दो और जो कि जो इन्वेस्ट ज़्यादा रिस्क बेयर नहीं कर सकते उनके लिए ये ठीक है अब आ जाते हैं सेक्टर फंड्स पे। सेक्टर फंड्स क्या है दीज प्राइमरीली इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज इन अ पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर और इंडस्ट्री मतलब कि कुछ लोग होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, है ना एक पर्टिकुलर सेक्टर मान लो कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मुझे मोटर बाइक्स बहुत पसंद है तो जो मोटर बाइक्स की जितनी भी कंपनी होगी उसके में उसमें मैं पैसा लगाना चाहता हूँ या फिर आ, मतलब कोई कोई भी सेक्टर ले लो तो मुझे उस चीज़ में पैसा लगाना पसंद है तो मैं उस चीज में पैसा लगाऊंगा तो ये रहता है तो अगर एक बंदे का अगर पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो वो उसमें पैसा लगाते हैं और अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपना पैसा लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सेक्टर फंड खरीद रहे हो और बेसिकली आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर ही खरीदते हो ठीक है ऐसा नहीं है कि आप डेट में पैसा लगाते हो यहाँ पे क्या लिखा है दिस फंड्स इन्वेस्ट प्राइमरली इन इक्विटीज ऑफ कंपनी अब आ जाते हैं आगे आगे हमारा है इंडेक्स फंड अब ये भी जो है वो हमारे इक्विटी फंड का पार्ट है इंडेक्स <coughs> फंड का मतलब होता है दिस फंड्स इन्वेस्ट इन सेम पैटर्न एज़ पॉपुलर मार्केट इंडाइसेस एसएनपी CNX निफ्टी निफ्टी एंड एस एन पी सी एन एक्स फाइव हंड्रेड ठीक है ये क्या है जो अगर कुछ लोग कुछ इन्वेस्टर्स अगर पूरे के पूरे इंडेक्स में अपना पैसा लगा देते हैं ठीक है अगर कोई के पूरे की, पूरे इंडेक्स में पैसा लगा देते हैं तो उसका मतलब है इंडेक्स फंड अब इसका आगे क्या मतलब है इसको हम समझते हैं द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स इज इन्वेस्टेड ओनली इन द स्टॉक्स रिप्रेजेंट द इंडेक्स देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि आपने निफ्टी में पैसा लगा दिया इसका मतलब निफ्टी में जो सेवेंटी फाइव कंपनी है निफ, निफ्टी में जो सेवेंटी फाइव कंपनीज सेवेंटी फाइव कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाया है तो इसका मतलब है कि आपने निफ्टी में पैसा लगाया ठीक है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी इंडेक्स फंड विल इन्वेस्ट ओनली इन द निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी लिखा हुआ है पर आजकल निफ्टी में फिफ्टी सेवन कंपनी शामिल हो चुकी हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच फंड ट बट टू गिवट टू दिटर्निवेक्सा नहीं है कि market को बीट करना है नहीं, भी भी नहीं है बट टू गिविटर्न इक्ट टू दर्ट रिटर्न मतलब कि market में जितने रिटर्न मिल रहे हैं उन इनवेस्टर्स को भी उतना पैसा मिले जो की इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अब आ जाते हैं टैक्स सेविंग फंड टैक्स सेविंग फंड के तो नाम से ही पता चल रहा है हमको कि ऐसा फ़ंड है वहाँ एक ऐसा फंड ऑफर करता है म्यूचुअल फंड जहाँ पे अगर जिस उस अगर टैक्स सेविंग फंड में अगर हम पैसा लगाएं तो क्या होता है उससे जो हमारा टैक्स बेनिफिट होता है इन्वेस्टर्स को मतलब जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और वो अगर टैक्स ज़्यादा टैक्स नहीं भरना चाहते तो वो क्या कर सकते हैं वो टैक्स सेविंग फंड्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स उनमें पैसा लगा सकते हैं दीज फंड्स ऑफर टैक्स बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट तो तो मतलब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड कर सकता है अब आ जाते हैं डेट इनकम फंड डेट इनकम फंड क्या होते हैं देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं दीज फंडली इन हाई रेटेड फिक्स इनकम बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स डिबेंचर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल पेपर एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इसका क्या मतलब है कि डेट इनकम फंड्स में अगर आपने पैसा लगाया है तो इसका मतलब है कि आपने एक फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिले बॉन्ड्स में डिवेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मतलब इन, जो है एक फिक्सड आपको पता रहता है कि भाई इतना मुझे मिल जाएगा तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं और उनको एक रेगुलर इनकम

लिक्विड फंड्स मनी मार्केट फंड्स अब लिक्विड फंड्स का क्या मतलब है ये तो उसके नाम से समझ में आ रहा है जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो ठीक है जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आप कैश में कितनी तेजी से कन्वर्ट करा सकते हो है ना कन्वर्टेबल इनटू कैश वो कितनी तेजी से हो जाता है इसका मतलब है लिक्विडिटी दीज फंड हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अगर आप लिक्विड फंड्स में पैसा लगा रहे हो तो इसका मतलब एक ऐसी जगह पे पैसा लगा रहे हो जहाँ पे मार जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत ही लिक्विड लिक्विडि उनकी लिक्विडिटी बहुत ही, ही ज़्यादा है द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कुड बी एज शॉर्ट एज अ डे लिक्विडिटी का मतलब ये होता है जितना तेजी से आप उसको कैश में कन्वर्ट करा सको अब मान लो कि आपकी एक एफ कराई है आपने और वो एफ डी है बीस सालों की तो उसकी लिक्विडिटी कम है या ज्यादा है उसके मुताबिक जिस इक्विडिटी जिस एफ की जो मेचोरिटी uh, जो डेट है वो छः महीने है छः महीने में अगर कोई एफडी खत्म हो रही है या फिर कोई बीस साल में खत्म हो रही है किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है ऑफकोर्स छः महीने वाले की ज्यादा है क्योंकि वो तेजी से जल्दी हो जाएगी लिक्विड uh, जो उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि एज शॉर्ट एज अ डे मतलब कि लोग एक दिन के लिए भी पैसा लगाते हैं ताकि अगर लॉस मतलब अगर नुकसान अगर एकदम से प्रॉफिट दिख रहा है तो तुरंत ही अपना पैसा लगा के और एकदम जैसे ही लॉस दिखा तो उसको बेच दिया तो जो प्रॉफिट होना था वो हो गया अगर लॉस भी होना होगा तो हो जाएगा ठीक है तो अगर जो पर जो अगर हम शॉर्ट टेम पे पैसा लगाते हैं कि हम एक दिन के लिए पैसा लगा रहे तो उसमें हमें बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ती है चीज़ें कि एकदम से हमें कहीं बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए और जैसे ही हमें प्रॉफिट हो तो हम उसको बेच के अपना पैसा निकाल लें दे प्रोवाइड ईजी लिक्योरिटी ठीक है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया दे हैव इमोज एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर से हाइयर रिटर्न और ये एक जो हमारे लिक्विड फंड हैं वो एक ऑल्टरनेटिव निकल कर आए हैं किसके लिए जहाँ पे लोग शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट करते हैं सेविंग करते हैं तो उनको भी प्रॉफिट चाहिए होता है तेजी से ठीक है तो उन लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव है बट यहाँ पर हमें एक बात जरूर देखनी चाहिए कि जो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो एक दिन के लिए जो पैसा लगा रहे हैं ऐसा नहीं है कि उसमें नुकसान नहीं होगा इसमें नुकसान हो सकता है फिक्स डिपॉजिट में नुकसान के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि वो मतलब बैंक वो थोड़ा सा सेफ रखता है ऐसा नहीं होता कि बैंक एकदम से दिवाली हो जाएगा ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है दीज फंडल फॉर कॉर्पोरेट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस हाउसेज इन्वेस्ट दियर फंड वेरी शॉर्ट पीरियड अब ये एक आपको दिख गया कि आपके जैसे इंडिविजुअल मतलब एक छोटे से इन्वेस्टर के लिए ये जो लिक्विड फंड्स है ये नहीं बने हुए हैं ये कन्स के लिए बने हुए कारपोरेट्स के लिए मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं और जो बिजनेस हाउस होते हैं जो कि बहुत ही तेजी से अपने पैसे को मतलब चेक भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं उनके पास अच्छा इफिशेंट सिस्टम होता है और अगर उनको लॉस हो भी जाता है तो उनको एज सच बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता उनके संग पर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन वो मतलब मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं अब आ जाते हैं गिल्ड फंड इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सिंस दे आर गवर्नमेंट गवर्न बॉन्ड्स दे गिव अ अड रिटर्न एंड ऑल्सो इनश्योर सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ठीक है ये बोल रहा है कि ये गिल्ड फंड्स जो होते हैं हमारे उन गिल्ड फंड में अगर हमने पैसा लगाया तो इसका मतलब कि हमने पैसा लगाया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ठीक है यहाँ पे क्या होता है क्योंकि गिल्ड फंड बैक बैक बैकिंग होती है गवर्नमेंट की तो हमें लगता है कि एक सिक्योर्ड रिटर्न मिल जाएगा और सेफ्टी भी बनी रहेगी हमारे प्रिंसिपल अमाउंट की और ये बेस्ट सूटेड होते हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनको जो ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं ठीक है तो फंड क्या है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं जो कि बैक्ड बाय होती हैं गवर्नमेंट उनके ऊपर एक सिक्योर रिटर्न मिलता है सेफ्टी भी इंश्योर रहती है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट की ऐसा तो नहीं होगा ना कि सरकार हमारा पैसा लेके भाग जाएगी अगर देश में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत गंदा वाला आ गया बुरा वाला आ गया तो हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए बट ये तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है ऐसा नॉर्मली होता नहीं है इतनी आसानी से ऐसा नहीं हो सकता है तो ये मतलब सही रहते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अब आ जाते हैं बैलेंस्ड फंड्स पे

तो ये रहता है इक्विटी शेयर में आपको ये नहीं पता कर सकते हो कि आपको अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो हो सकता है आपको दस बारह पंद्रह परसेंट का भी इंटरेस्ट मिल जाए बट अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस कहीं तक भी जा सकता है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ मेनटेनिंग बैलेंस वो क्या करते हैं इक्विटी शेयर में भी अपना पैसा लगाते हैं और फिक्स इनकम ब्यरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीदते हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क ना हो और जो वलाटिलिटी है फंडस की उसको भी हम कम कर पाएँ स्टडी रिटर्न मिले दोनों को मिला के रिड्यूज द वलाटिलिटी ऑफ द फंड वाइल प्रोवाइडिंग समसाइड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता रहे और बहुत ज़्यादा रिस्क भी हमारे को नहीं नहीं रहे नहीं फेस करना पड़े दे आर आइडल फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विलिंग टू टेक मॉडरेट रिस्क यहाँ पे क्या होता है मॉडरेट रिस्क जो लोग ले सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टर्स बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या है ये बोल रहा है कि बार बार ये बोल रहा है कि जो मीडियम और जो लॉन्ग टर्म हमारे जो इंस्ट्रूमेंट मतलब जो इन्वेस्टर जो मीडियम और लॉन्ग टर्म तक अपना पैसा लगा सकते हैं उन्हीं को फ़ायदा हुआ और इन्वेस्टमेंट का रूल ही होता है कि आप मतलब ज़्यादा नाइन्टी परसेंट अच्छी बात तभी रहती है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप एक इंडिविजुअल हो नए आए हो इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टर तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाओगे तो आप थोड़ी देर चैन से बैठ सकते हो और हो सकता है कि एक दो साल में तीन साल में आपका पैसा काफ़ी मतलब दस से बारह बीस पच्चीस तीस परसेंट अगर आपने इक्विटी में पैसा लगाया तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी हो सकती है यहाँ पे गाइज मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है जिसके बारे में आई थिंक आपको पता होगा अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर सुन लो कि मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया था क्लास टेंथ एफ एम एम का मतलब यहाँ पे हमने क्वेश्चन बैंक बनाया जिसमें हमने जितने भी टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन मतलब जब से ये सब्जेक्ट सी बी एस सी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्लास टेंथ के लिए इंट्रोड्यूस किया है तब से हम इसको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं टेंथ के पेपर में हमने सबको वहाँ पर इंक्लूड किया है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपके पेपर के पैटर्न के हिसाब से वन मार्क टू मार्क थ्री मार्क फाइव मार्क्स ऐसे करके बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है एक भी चीज़ को बिना छोड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिखे हैं तो इसको आप देख सकते हैं इस, इस वीडियो के नीचे मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी जहाँ पर मैंने अपने क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया है तो वहाँ पर ये जो मैंने प्राइस बताया था इसका ये पेड़ है थर्टी नाइन रुपीज़ सेवेंटी एट पैसे कुछ बताया था बट अब इसका प्राइस थर्टी रुपीज़ कर दिया गया है अगर आपको ख़रीदना है तो जल्दी ख़रीद लीजिए क्योंकि इसका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा फिर चलिए अब आ जाते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ़ फ़्लक्सीबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी अगर हम देखें और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं या फिर आप जो क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो है उसके नीचे कॉमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी की बात करें अगर तो म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो कौन से दो फंड्स हमारे पास हैं एक होता है ओपन एंडेड फंड्स दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड्स ओपन एंडेड फंड्स का मतलब होता है एक फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन नहीं होता उसमें मतलब कि ऐसा नहीं होता कि इस डेट पे हमको रीपेमेंट करनी पड़ेगी कि किसी भी मार्केट सिक्योरिटी की अगर हम मोटी मोटी बात समझे ओपन एंडेड फंड्स क्या है तो ओपन एंडेड फंड का मतलब है कि एक बार इसको मार्केट में निकालने के बाद इसको कभी भी आप खरीद सकते हो ये परपेचुअल है अपने स्टेट में इट कैन बी बॉट एनी टाइम उसको आप कभी भी खरीद सकते हो जनली दे ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिडेम्शन थ्रू द ईयर ठीक है आप उसको खरीद सकते हो आप उसको बेच भी सकते हो पूरे साल में कभी भी देयर प्राइसेज आर लिंक्ड टू द डेली नेट एसेट वैल्यू फ्रॉम द इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव दे आर मच मोर लिक्विड देन क्लोज इंडेड फंड है ना ये क्या बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी इनकी ज़्यादा रहती है क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि आपको मे बी लॉस हो सकता है तो आप इमीडिएटली उसको बेच दोगे हम्म तो इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है ओपन एंडेड फंड्स को आप कभी भी साल में खरीद सकते हो बेच कर बेच सकते हो दे आर ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिडमशन थ्रू आउट द ईयर और उनका जो प्राइस रहता है वो डेली एसेट वैल्यू जो डेली जो नेट एसेट वैल्यू होती है उससे प्राइस उनका लिंक रहता है आई होप आपको समझ में आया होगा क्लोज एंडेड फंड क्लोज एंडेड फंड्स क्या होते हैं एक बार ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिस आर ओपन इनिशियली फॉर एंट्री ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब हो जाती है उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाते हैं एज वेल एज मतलब एंट्री भी क्लोज हो जाती है और एग्जिट भी क्लोज हो जाता है आप वहाँ से ना निकल सकते हो ना आप इसको खरीद सकते हो इसका एक फिक्स डेट ऑफ रिडेम्पशन होता है रिडेम्पशन मतलब कि आप कभी आप उसकी रीपेमेंट करोगे मतलब कि आप उसको बेचोगे एक तरीके से तो उसका पीरियड रहता है तीन साल पाँच साल सात साल आठ साल ऐसे पीरियड रहता है जहाँ पे आप इसको खरीद बेच सकते हो ऐसा नहीं है कि जब आपकी मर्जी है तो आप इसको खरीद सकते हो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोज एंडेड फंड स्कीम्स स्कीम्स इज दैट दे आर जनरली ट्रेडेड एट अ डिस्काउंट टू नेफ बट द डिस्काउंट नैरोज एट नियर्स क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि क्लोज एंडेड स्कीम जो होती है जनरली उसको ट्रेड किया जाता है नेट एसेट वैल्यू के डिस्काउंट के हिसाब से बट द डिस्काउंट जब मचॉरिटी जब, maturity, जब uh, पास आती रहती है मान लो कि आपका तीन साल का पीरियड था उसका और ढाई साल हो चुके हैं तो डिस्काउंट भी आपको उस पर कम मिलने लगता है ठीक है आपको समझ में आ गया ये अब हम आ जाते हैं वॉट इन्वेस्टमेंट प्लान दैट म्यूचुअल फंड ऑफर अब म्यूचुअल फंड कौन कौन से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट प्लान लिखा है इसको आप ध्यान से देखो तो कौन कौन से म्यूचुअल जो म्यूचुअल फंड है आपको कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हो तो इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है जो अन्य इन्वेस्टर्स के सामने मतलब पूरा ये चिट्ठा होता है कि भाई हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कंसिडर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हों तो हम देख लेते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे हैं जो म्यूचुअल फंड हमको देता है सबसे पहला है ग्रोथ प्लान एंड डिविडेंड प्लान ग्रोथ प्लान का क्या मतलब है आइए देख लेते हैं इसको एक बार अ ग्रोथ प्लान इज़ अ प्लान अंडर अ स्कीम वेयर इन द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्ट

अ ग्रोथ प्लान इज अ प्लान अंडर ए स्कीम वेर रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आर री इन्वेस्टेड जो रिटर्न्स होते हैं उसको हम दोबारा मतलब जो दस रुपये एक तरीके से हम उसको दोबारा ही इन्वेस्ट कर देंगे अपने पुराने पैसे के साथ तो क्या होगा अभी हमने जो तो हमारे जो शेयर होल्डिंग है कंपनी में और भी वो बढ़ जाएगी एंड वेरी फ्यू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है और ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है जो लॉन्ग टर्म में एक तो पैसा लगाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बस हमारा पैसा बढ़ता जाए अभी हमें कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है पर अभी बस हम पैसे बढ़ाना चाहते हैं अगर हम आ जाते हैं डिविडेंड प्लान के ऊपर तो डिविडेंड प्लान में क्या रहता है इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है टाइम टू टाइम और डिविडेंड प्लान उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है चलो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान अब डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है डिविडेंड जो आपको अभी मिला ठीक है ये जो डिविडेंड मिला री इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप अपने जो आपको डिविडेंड मिला है उसको आप री इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि डिविडेंड री प्लान सिंपल ऑफ प्लान कैरी एन एडिशनल ऑप्शन फॉर री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड प्लान का क्या मतलब होता है कि

तो इन्वेस्टर के बिहाफ पे जो कंपनी है उसको फिर से दोबारा ही इन्वेस्ट अपने आप से ही कर देगी दस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ यूनिट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर और उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट जो है इन्वेस्टर्स के द्वारा वो बढ़ जाते हैं सो so, आज के लिए बस इतना ही वीडियो बना बहुत लंबा हो जाएगा थैंक यू गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना थैंक यू और इस क्वेश्चन बुक के बारे में ज़रूर देख लेना और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आई विल